हेलो, सुस्वागत है आपका हिंदी कॉमिक वर्ल्ड में। यहाँ पर मैं चपली लेकर आया हूँ सीक्रेट वॉर का एक और एक्साइटिंग एपिसोड। और इस एपिसोड में हम देखेंगे कि बाकी के बचे हुए फैंटास्टिक फोर के साथ क्या हुआ और आखिरकार डॉक्टर डूम की ये तानाशाही खत्म होगी या फिर नहीं। और अगर आप इससे पहले के एपिसोड देखना चाहते हैं तो मेरे डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैशटैग के जरिए या फिर मेरे चैनल के प्लेलिस्ट के जरिए भी आप इससे पहले के एपिसोड देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। कैसल डूम, यहाँ पर वर्ल्ड ट्री के थ्रोन पर बैठा हुआ था डूम और उसके साथ थी सुजन रिचर्ड। और यहाँ पर डॉक्टर डूम के सामने दो वार्ड्स रखे हुए थे जिसमें से एक में कर्वस ग्लेव और एक में प्रॉक्सिमा मिडनाइट थे। और यहाँ पर वलेरिया कह रही थी कि इन दोनों में से किसी ने भी स्टीफन स्ट्रेंज को नहीं मारा। और यही सबसे बुरी खबर है कि मुझे अब तक उनके कातिलों का पता नहीं चला है। द फाउंडेशन, जहाँ पर वलेरिया रिचर्ड के कुछ दोस्त उन लोगों को ढूंढ रहे थे जो कि इल्यूमिनाटीज और कबाल के मेंबर्स थे। डॉक्टर स्ट्रेंज ने जिन्हें पूरी तरह से एक दूसरे से बिखेर दिया था, उन लोगों को ये लोग ढूंढ रहे थे जो कि वलेरिया रिचर्ड के कहने पर ये सब कर रहे थे। यहाँ पर उन्हें एक ड्रोन मिला था और वो उसी ड्रोन को उस वलेरिया रिचर्ड को दिखा रहे थे। ये ड्रोन जो कि मेकर ने इस पूरे बैटल वर्ल्ड को स्पेक्टेट करने के लिए बनाया था। और प्रोजेक्ट 24 में जो कि बैटल वर्ल्ड में ही कहीं पर था, उसे उसका डाटा मिल रहा था। यहाँ पर रीड रिचर्ड कहता है क्या हमारा सेकेंडरी क्वेश्चन अभी भी मौजूद है, क्या हम ये कर सकते हैं? तब मेकर कहता है तुम आर्ग्यू भी गलत तरीके से कर रहे हो, क्योंकि हमारा प्राइमरी क्वेश्चन है कि हमें डिफीट करना है डूम को। किसी तरह से हमें लोकेट करनी है एक वीकनेस उसके आर्मर में और उसे तबाह करना है। तब वो कहता है तबाह नहीं, सिर्फ उसे हराना है। और अगर हमने ऐसा कर भी दिया तो भी क्या उसकी पावर से बना हुआ ये वर्ल्ड पूरी तरह से तबाह होगा या फिर ऐसा ही रहेगा? हमें डूम की ये साइड भी देखनी होगी। तब अपने उस ड्रोन से वो डाटा कलेक्ट करते हुए दिखाता है कि ये देखो रेड, ये ही डाटा है और ये है प्रॉफेट जिसने एक आर्मी बिल्ड की है। और आज ना कल वो उस थ्रोन को हत्या लेगा जिस पर गॉड डूम बैठा है उस वर्ल्ड ट्री में। और यहाँ पर वो आगे कहता है हम दोनों इसीलिए यहाँ पर है कि हम डूम को मार सके और हम दोनों का यही काम है। लेकिन मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि जब भी मैं तुम्हारे फेस की तरफ देखता हूँ जो कि लिटरली मेरा ही फेस है, तो मैं देखता हूँ इस एज तक तुम इतने सेंटिमेंटल और कमजोर बन कैसे गए? तब वो बताता है आसान है रीड, क्योंकि मैं खुद के बजाय दूसरों के बारे में सोचता हूँ। यहाँ पर वो एक प्रोजेक्शन दिखाते हुए कहता है क्या तुम ऐसा कुछ सोचते हो? और तब वो देखता है डूम के साथ उसका पूरा परिवार था, यानी कि सू रिचर्ड, वेलेरिया और फ्रैंकलिन। जिस वजह से पहले तो रीड गुस्सा होता है और टेंशन में आता है। और तब वो कहता है ये हमारा प्रॉब्लम है और हम अपना प्रॉब्लम देखेंगे। क्वेश्चन अभी भी वही है कि विक्टर ने आखिर इतनी पावर पजेस कैसे की? और तब मेकर कहता है और हम लोग ये कैसे करेंगे? तब रीड कहता है और मेरे पास प्लान है। और वो आगे कहता है और मैंने अपने बेस्ट लोग इस काम पर भेजे हुए हैं। और तब हम देखते हैं माइल्स मोरेल्स और स्पाइडरमैन को जो कि वहीं पर उस डूम के पावर सोर्स का पता लगाने के लिए आए थे। और तब वो देखते हैं स्टैचू के ऊपर जहाँ पर पीटर कहता है कि हमें यहाँ पर 60-70 फीट नीचे जाना है इस डायरेक्शन में, लेकिन ये पुतला सिर्फ 10 फीट का है और यही दिक्कत है। तब स्पाइडरमैन कहता है शायद इसके नीचे कुछ दबा हुआ हो। तभी वलेरिया रिचर्ड कहती है यहाँ पर एक ट्रैप डोर है और ये मुझे थोड़ी देर पहले मिला था और तुम जिस सोर्स के लिए यहाँ पर आए हो वो भी वहीं पर है। तब पीटर कहता है क्या तुम अभी भी जिंदा हो वेल? तब वो कहती है क्या मैं तुम्हें जानती हूँ? तब स्पाइडरमैन उसे अपनी यादों के बारे में बताने की कोशिश करता है, लेकिन वलेरिया फिर भी उसे याद नहीं कर पाती। और वलेरिया आखिरकार उन दोनों को अंदर जाने के लिए रास्ता दिखाती है और वो कहती है कि मैं अभी इतनी बड़ी नहीं हुई कि इमोशनली इन सब चीजों को झेल पाओ, तो तुम्हें अकेले ही यहाँ पर जाना होगा। और जाने से पहले वो पूछती है कि क्या तुम दोनों में से किसी ने या फिर उन लोगों में से किसी ने स्टीफन स्ट्रेंज को मारा था? तब वो कहता है नहीं। तब वेल कहती है मुझे भी यही लगा था। यहाँ पर दो स्पाइडरमैन अंदर आ चुके थे और अंदर जाते ही उन लोगों को फ्लोटिंग करता हुआ ड्रिस मिलता है और वो उन्हें अपनी बोरिंग बातों से पका ही रहा था। तभी वो पूछता है कि खाने के लिए है? तब स्पाइडरमैन का जवाब था नहीं।
मेरे पास कुछ नहीं है, लेकिन माइल्स मोरेल्स अपनी जेब चेक करता है और कहता है मेरे पास हैमबर्गर है मेरे पॉकेट में, और वो उसे खाने के लिए मॉलिक्यूल मैन को दे देता है। यहाँ पर पीटर कहता है तुम ऐसे कैसे बोल सकते हो कि तुम्हारे, तो वो कहता है मुझे ये अच्छे लगते हैं और मैं यहाँ पर भागदौड़ करता रहता हूँ तो मुझे खाने की जरूरत पड़ती है। तब वो कहता है ये तुम्हारे पास कब से था? वो कहता है वो मेरे पास मेरे होम से था, मेरी अर्थ से। उसका मतलब 8 साल और 3 हफ्ते पुराना हैमबर्गर तुम्हारे जेब में पड़ा हुआ है। तब वो कहता है क्या तुम उस हाइबरनेशन को भी इसमें काउंट कर रहे हो? तब पीटर कहता है लेकिन फिर भी ये 3 हफ्ते पुराना हैमबर्गर है। तब माइल्स कहता है हाँ इसका मतलब ये उसे नहीं खाना चाहिए। लेकिन तब तक वो उस हैमबर्गर को पूरा खत्म कर चुका था, और उस हैमबर्गर को खत्म करने के बाद वो उन दोनों से यहाँ पर आने की वजह पूछता है। तब वो कहता है हमें यहाँ पर भेजा गया है क्योंकि हम डूम के पावर सोर्स का पता लगा सके इस व्हाइट रूम में। क्या तुम्हें ऐसी कोई चीज दिखी है? तब ओवन रीज कहता है हाँ तुम उसी चीज के सामने खड़े हो और उसे घूर रहे हो। यहाँ पर कैसल रूम में डूम बौखला चुका था, और वो अपने सारे स्लेव से और सारे जनरल से एक एक करके मीटिंग रख के उनसे पूछ रहा था, जैसे कि माइस्ट्रो, सिनिस्टर और एपोकैलिप्स। यहाँ पर आधे से ज्यादा लोग अपने अपने गुनाह ना करने की वजह बता रहे थे। और बार सिनिस्टर में हम देखते हैं ये कॉन्फ्रेंस खत्म होने के बाद सिनिस्टर कैप्टन मार्वल के साथ बात कर रहा था, और वो उससे कहता है कैप्टन तुमने सुना ना कि लॉर्ड डूम चाहते हैं कि मैं अपने पूरे वॉरियर्स उनके लिए भेज दूं। मैं सोच रहा हूँ कि मैं कुछ वॉरियर्स भेजूं, और तभी एक गुस्सा उसके मुंह पर पड़ता है। तब वो कहता है या फिर मैं एक अच्छे बच्चे की तरह, और वो इससे पहले कि कुछ आगे कह पाता दूसरा गुस्सा उसके मुंह पर फिर से पड़ता है। तब वो कहता है मैं समझ गया कि मुझे अच्छा नहीं बनना है, मुझे इस वक्त बहुत नॉटी बनना है। और इतना सुनते ही कैप्टन मार्वल मुस्कुराते हुए कहती है ये हुई ना बात। हिडन आई ऑफ ओगामोटो, जहाँ पर दो जानी दुश्मन एक समुद्री जीव के साथ पहुंच चुके थे। दो जानी दुश्मन कहने के ब्लैक पैंथर और नेमर। यहाँ पर आने के बाद टचाला से पहला सवाल नेमर ये पूछता है कि तुम यहाँ पर मुझे क्यों लाए हो? क्या किसी ग्रेटर मिराकल की जरूरत है या फिर किसी और चीज की, या फिर हम दोनों यहाँ पर लड़ने के लिए आए हैं? तब ब्लैक पैंथर उसे समझाते हुए कहता है तुम नेमर, तुम अब सिर्फ राख के राजा हो और मैं मुर्दों का, तो हम दोनों के पीछे कुछ भी नहीं है जिसके लिए हम लड़ पाए, लेकिन हमारे आगे एक नई दुनिया है। तब नेमर कहता है और एक डोर भी है जो हम ओपन नहीं कर सकते। लेकिन तभी आया फोगामोटो का एक लॉकेट उस आया फोगामोटो के दरवाजे को खोल देता है, और आगे हमें होलोग्राम दिखता है डॉक्टर स्ट्रेंज का, जहाँ पर वो होलोग्राम कहता है तुम मेरे सिक्टम सेंटोरियम में हो। इसका मतलब है कि वो आया फोगामोटो मेरे मरते हुए हाथों से तुम्हारे हाथों में आ चुकी है, और इसी वजह से तुम लोग यहाँ पर हो। लेकिन इसका कोई जवाब नहीं है कि मैंने तुम्हें ये खुद दी या फिर तुमने इसे मुझसे नहीं छीना, तो तुम्हें पूरे वर्ल्ड की सीक्रेट हिस्ट्री पता होनी चाहिए। और वो कहता है मोमेंटो मोरी। तब ब्लैक पैंथर कहता है इल्यूमिनेटस, और इतना कहने के बाद वो दो आर्टिफैक्ट्स के बारे में उन दोनों को बताता है कि मेरे पास अभी भी कुछ ऐसी चीजें हैं जो तुम्हें इस जंग को जीतने में मदद कर सकती है। और एक आर्टिफैक्ट था सीज करेजस, जिसके बारे में कहते हुए डॉक्टर स्ट्रेंज कहते हैं कि ये किसी को भी एक जगह से दूसरी जगह पर टेलीपोर्ट कर सकता है। और वो आगे कहते हैं कि ये उस ट्रैवलर को अपने उस ट्रांसफॉर्म में ले आता है, और तब हम देखते हैं कि यहाँ पर वो बात छुपाई गई थी। और दूसरी चीज बताते हुए डॉक्टर स्ट्रेंज कहते हैं हम दोनों ने ये चीजें इकट्ठी की थी, पूरे वर्ल्ड को इकट्ठा किया था, और हमने ये वर्ल्ड बनाया था बचे हुए दुनियाओं के टुकड़ों से, और इसी वजह से ये मल्टीवर्स के इंकर्जन के बचे हुए पार्ट्स है। और इसी दरमियान मुझे कुछ जेम्स मिले अलग अलग डायमेंशन से, अलग अलग अर्थ से, और मैंने इन्हें एक पोजीशन में डाल दिया। और वो नेमर की तरफ देखते हुए वो कहता है कि तुम क्या सोचते हो? तब नेमर कहता है मेरी तरफ मत देखो, हम दोनों जानते हैं कि मैं भरोसे के लायक नहीं हूँ। और तब हम देखते हैं कि वो उस आर्टिफैक्ट की बात कर रहा था जो आर्टिफैक्ट था इन्फिनिटी गाउंटलेट। और तब वो होलोग्राम कहता है कि ये इन्फिनिटी गाउंटलेट तुम्हें जल्दी और पूरे होशियारी से इस्तेमाल करना होगा, क्योंकि यही एक चांस है जिससे तुम गॉड को कुछ देर तक हरा पाओ। यहाँ पर फ्रैंकलिन रिचर्ड अपने गैलेक्टस को छोड़कर अपने घर में आता है, और उसकी माँ उसे सुलाते हुए एक कहानी बताती है जिससे हमें ये पता चलता है कि उनकी याददाश्त पूरी तरह से मिटा दी गई थी। उस फैंटास्टिक फोर की वो कहानी सुनाती है जिसमें रीड रिचर्ड के अलावा उसके फादर फ्रैंकलिन रिचर्ड थे, और धीरे धीरे पूरी दुनिया तबाह होती गई,
और उस तबाह दुनिया से डूम ने एक नई दुनिया बनाई उनके बचे हुए टुकड़ों से। लेकिन अंधेरे में कई ताकतें उन पर हमला करने के लिए आई। फ्रैंकलिन रिचर्ड मारे गए और इन तीनों को बचाने के लिए डॉक्टर डूम ने उनके साथ लड़ाई की। डॉक्टर डूम के कहने पर जोनाथन एक सन में कन्वर्ट हो गया और फ्रैंकलिन रिचर्ड पूरी स्टोरी सुनने के बाद कहता है कि आपने ये नहीं बताया कि अंकल फैन के साथ क्या हुआ। तब वो कहती है कि बड़े होने पर मैं तुम्हें वो भी कहानी सुनाऊंगी। और तब हम देखते हैं द शील्ड में डिटेंशन लेवल में जहां पर बेन के साथ अभी थैनोस बात कर रहा था और वो बताता है कि ये कहानी सच्ची नहीं है, मैं तुम्हें कहानी बताता हूँ कि मैंने अपनी फैमिली क्यों छोड़ी और यहाँ पर नाइटमेयर को कैसल से दूर रखने के लिए यहाँ पर क्यों खड़ा हुआ हूँ। मैंने जॉनी और सो को गुड बाय कहा कि मैं यहाँ पर आकर इस पूरी जगह को प्रोटेक्ट कर सकूँ और यही सच है, मैं इसी के काबिल था। तो वो कहता है अच्छा अगर यही स्टोरी है गॉड की तो मैं तुम्हें कुछ ऐसी चीजें बताऊंगा जो कि तुम नहीं जानते, मेरे पास भी कुछ सीक्रेट्स है। तुम बेन ग्रिम, तुम एक वॉरियर एक हीरो थे और तुम उस आदमी के दोस्त थे जो कि डॉक्टर डूम का कट्टर दुश्मन था। तुम फैंटास्टिक फोर का हिस्सा तो थे और वो आगे उसे कहानी भी बताता है। और तब ये कहानी सुनने के बाद बेन ग्रिम कहता है तो तुम कह रहे हो कि ये दुनिया रियल नहीं है, ये बैटल वर्ल्ड पूरी तरह से एक झूठ है। तब वो कहता है नहीं, ये दुनिया पूरी तरह से सच है, लेकिन मैंने जो बताया वो रियलिटी तुम्हारा पास्ट है। और क्या डूम ने तुम्हें इसीलिए कन्विंस नहीं किया? किसी तरह से तुम उससे ज्यादा ताकतवर थे। तुम ये कर रहे हो ये बहुत पेनफुल और हार्टलेस काम है, तुम इसके बारे में जानते हो, और क्या तुम इसी तरह से यहाँ पर मरने वाले हो या फिर उठकर फिर से खड़े होने वाले हो? और तब हम देखते हैं कि उस वॉल को तोड़कर बेन ग्रिम फिर से खड़ा होता है। तो इसी के साथ आज का वीडियो यहीं पर खत्म होता है। तो आप मुझे कमेंट करके बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। साथ ही साथ अगर आपके पास इसके अलावा और कोई सजेशन है तो भी मुझे कमेंट करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फ्रेंड्स, एंजॉय द लाइफ, धन्यवाद और जय हिंद।